विश्व विजेता टीम इंडिया से मिलते समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रॉफी को हाथ नहीं लगाया। बहुत सारी चर्चा चल रही क्यों नहीं लगाया। इस वीडियो में बात करने वाले कि ये सब मैटर क्या है भाई, लोग क्यों इस तरह की तस्वीरों को शेयर कर रहे हैं और इस तरह की बात कर रहे हैं। भाई हुआ यूं कि T20 विश्व कप 2024 जीत करके भारतीय क्रिकेट टीम वेस्ट इंडीज से वापस इंडिया आ चुकी और यहां पर तमाम जगह उसका गर्मजोशी के साथ स्वागत हो रहा है। इस समय जब मैं वीडियो बना रहा हूं तब भी भारतीय क्रिकेट टीम का मुंबई में मरीन ड्राइव पर लाखों लोगों के द्वारा इस्तकबाल किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है, उनको बधाइयां दी जा रही हैं। भारतीय टीम का रोड शो चल रहा है, भारतीय क्रिकेट के वो सितारे सभी जनता का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। मुंबई में इस भव्य शानदार स्वागत से पहले भारतीय क्रिकेट टीम सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने गई थी। एक्चुअली हुआ यूं कि जैसे ही टीम इंडिया में वापस आई तो उसका सबसे पहला कार्यक्रम था वो था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नाश्ता करना, ब्रेकफास्ट करना, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनवाइट किया था पूरी क्रिकेट टीम को कि हमारे साथ आइए, नाश्ता कीजिए और साथ ही साथ अपने अनुभव बताइए। और इसी मुलाकात के दौरान कुछ फोटो ऐसी आई जिस पर कि अब अजीब तरह की चर्चा शुरू हो गई, पता नहीं लोग क्या क्या सोच के बैठे हैं। यहां पर हुआ यूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब सभी खिलाड़ियों के साथ फोटो सेशन करवाया तो उसी दौरान कोच राहुल द्रविड़ और कप्तान रोहित शर्मा ने ट्रॉफी के साथ प्रधानमंत्री के साथ फोटो खिंचाई और इस फोटो में लोगों ने यह चीज पकड़ ली कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रॉफी को हाथ नहीं लगाया। और अब शुरू होगी तमाम बातें, कोई कुछ ही कह रहा है, कोई कुछ ही कह रहा है, कोई मतलब तमाम तरह के लोग अपना अपना अंदाज यहां पर बता रहे हैं कि क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रॉफी को हाथ नहीं लगाया, क्यों उसको नहीं छुआ। यहां पर कुछ लोग पक्ष में बात बोल रहे हैं, कुछ लोग विपक्ष में बात बोल रहे हैं, तमाम तरह के मीम्स बनाए जा रहे हैं, तमाम तरह की व्यंग की बातें भी की जा रही है, तो कुछ लोग इसको सीरियसली मैटर बता रहे हैं। लेकिन भैया मुझे ये बताओ कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रॉफी को हाथ नहीं लगा के देखिए क्या गुनाह कर दिया है या कौन सा बड़ा काम कर दिया है भाई, ये कोई नोटिस करने वाली बात भी है क्या? हाँ मतलब बातें बनाने को आप कुछ भी बातें बना सकते हो। अरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर ट्रॉफी को हाथ लगा देते तो बातें बनाने वाले कहते कि आपने ट्रॉफी को हाथ क्यों लगा दिया, जीत कर तो बोलोगा आपने क्यों ले लिया। यानी कि बातें ही बनाना है, यानी मोदी जी कुछ भी करें आपको उसमें सिर्फ बातें ढूंढना है, उसमें कुछ ना कुछ कमी ढूंढना है, कुछ ना कुछ उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डर ढूंढना है। अरे भाई उन्होंने इतने सारे खिलाड़ियों से मुलाकात की, अरे भाई जो एक्चुअल में चर्चा करने लायक बात है उस पर तो बात कीजिए। क्या आपने वहां का माहौल देखा? वास्तव में इस मुलाकात की जो सबसे खास बात थी वो था प्रधानमंत्री जी का गर्मजोशी भरा अंदाज। जब वो सभी खिलाड़ियों के साथ कुर्सी पर बैठ करके बातें कर रहे थे और हर एक खिलाड़ी से पर्सन टू पर्सन बात कर रहे थे, फेस टू फेस बात कर रहे थे, कभी मुस्कुरा करके, कभी हंस करके, कभी ठहाके लगा करके। खास बात ये है यहाँ पर उन्होंने हर एक खिलाड़ी से बात की, कप्तान रोहित शर्मा से तो बात की ही की, विराट कोहली से तो बात की ही की, उन्होंने जसप्रीत बुमराह से भी पर्सनली बात की, यहाँ तक कि युजवेंद्र चहल से भी उन्होंने बड़े हंस के बात की, कुलदीप यादव से बात की, सूर्य कुमार यादव से बात की, उन्होंने जसप्रीत बुमराह के छोटे से बच्चे अंगद को भी गोद में उठाया, उसको भी लाड़ दुलाड़ दिया। यानी बहुत सारी खास बातें हैं जहां प्रधानमंत्री जी की विशेष जो स्टाइल है, जो उनकी कला है, वो सब हम उन पर चर्चा कर सकते हैं। वो अपने ही अंदाज में इन सभी खिलाड़ियों से मिले, विश्व विजेताओं का स्वागत किया, उनको बधाई दी और भविष्य की शुभकामनाएं दी। लेकिन लोग पड़े हैं बस एक तस्वीर के पीछे कि देखिए तस्वीर देखिए, तो आखिर ये तस्वीर खींच कैसे गई कि लोगों को बातें बनाने का मौका मिल गया। हुआ यूं कि जब सभी खिलाड़ी फोटो सेशन करा रहे थे प्रधानमंत्री जी के साथ तो पूरी टीम बैक में खड़ी हो गई और प्रधानमंत्री जी आगे खड़े हो गए। कोच राहुल द्रविड़ और कप्तान साहब रोहित शर्मा दोनों लोग प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े थे, अगल बगल दाएं बाएं खड़े हुए थे और दोनों लोगों ने जो ट्रॉफी थी वो अपने हाथ में पकड़ रखी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रॉफी हाथ में ना लेकर के जो राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा जिस ट्रॉफी को पकड़े हुए थे जिन हाथों से, उन हाथों को प्रधानमंत्री जी ने टच कर लिया, यानी उन हाथों को पकड़ा। तो इसमें भाई सीधा से मैसेज है कि वो खिलाड़ियों को ज्यादा गर्मजोशी का एहसास कराना चाहते थे, अपनेपन का एहसास कराना चाहते थे, देश के करोड़ों प्रशंसकों, करोड़ों देशवासियों के साथ होने का एहसास कराना चाहते थे। बस इतनी सी बात है, उसमें ट्रॉफी को हाथ लगाया, ट्रॉफी को हाथ नहीं लगाया जैसी कोई बात ही नहीं है। लेकिन लोग तो भाई बस अपनी अपनी बातें बनाने में तुले हुए हैं। एक्चुअल में जो बातें करने लायक है वो है, आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने अपनेपन के साथ, कितने लगाव के साथ टीम इंडिया के साथ बात की। उनकी बातचीत से स्पष्ट झलक रहा था कि उन्होंने भारतीय टीम के विश्व कप के मैच कितने गंभीरता से देखे, कितना समय देकर के देखे। एक एक चीज पर उन्होंने बात की, सूर्य कुमार यादव के कैच पर बात की, जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी पर बात की, रोहित शर्मा के अनुभवों पर बात की, यहां तक कि उन्होंने जो प्लेइंग 11 का हिस्सा भी नहीं बन पाए युजवेंद्र चहल से भी बड़े अच्छे अंदाज में बात की। इन पर चर्चा कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। तस्वीरें तो तस्वीरें हैं भाई, किसी भी सेकंड किसी भी मोमेंट की खींची जा सकती हैं, लेकिन उन तस्वीरों पर गौर कीजिए जो वास्तव में इतिहास के पन्ने पर दर्ज होने वाली हैं।